सच उगलेगा और गुनाह की पूरी तस्वीर सामने आएगी। वहीं लखनऊ के दुबग्गा के डूडा कॉलोनी से सामने आए लवजियात के केस में पुलिस ने आरोपी सुफियान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था, साथ ही उसकी फोटो भी पुलिस ने जारी की थी। सुफियान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, आखिर पुलिस ने सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आरोपी आफताब रात के तकरीबन 2 बजे मेहरुली के इस घने जंगल में निकला करता था और पॉलिथीन में ला करके श्रद्धा की डेड बॉडी के जो टुकड़े हैं उनको इस जंगल में फेंका करता था। अब आप आफताब की जो मेंटल स्थिति है, उसका जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मेहरुली का ये जो जंगल है ये सांपों से भरा हुआ जंगल है। ये देखिए अपने कैमरे की स्क्रीन पर सांप की, बड़ा सांप है ये कोई, और इसकी कैंचुली देखिए कि सांप की कैंचुली यहां पर ये जंगल में पड़ी हुई है। जंगल के चप्पे चप्पे पर हर आधे किलोमीटर में, हर 200-300 मीटर में ये इस तरीके की जो कैंचुली है वो इस जंगल में पड़ी हुई है, यानी कि सांपों से भरा हुआ ये जंगल है। ऐसा जो हम लोगों को अनऑफिशियल कुछ पुलिस के लोग हैं वो भी हम लोगों से बता रहे हैं। और ये देखिए एक कैंचुली एक यहां है, ये देखिए ये आगे की तरफ मुंह है, ये भी सांप की कैंचुली है। तो सांपों से भरे हुए इस जंगल में रात के तकरीबन 2 बजे निकल करके आना, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि क्राइम करने के बाद में आफताब के मन में सांपों से भरे हुए इस जंगल के बीच में आने के चलते कितना ज्यादा उसके मन में ये जहर भरा हुआ था कि वो सांपों से भरे हुए इस जंगल में रात के 2 बजे आया करता था और आकर के डेड बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं उसको इस जंगल में फेंक दिया करता था। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मणिदीप शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे ऋषिकेश से, बड़ी खबर सामने आ रही शिवपुरी में शूट हुआ था श्रद्धा का आखिरी वीडियो। शिवपुरी क्षेत्र के वशिष्ठ गुफा में शूट हुआ था वीडियो। ऋषिकेश में श्रद्धा का आखिरी वीडियो शूट हुआ था। ऋषिकेश के शिवपुरी इलाके की वशिष्ठ गुफा में श्रद्धा का आखिरी वीडियो शूट हुआ था और यह वही गुफा है जहां लास्ट वीडियो शूट हुआ था। दिल्ली पुलिस जांच के लिए आरोपी आफताब को यहां भी लेकर आ सकती है। शिवपुरी की इसी वशिष्ठ गुफा में वीडियो शूट हुआ था, श्रद्धा का आखिरी वीडियो। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब पूनावाला लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में लगा है, बयान बदलकर दिल्ली पुलिस को बरगला रहा है। श्रद्धा ने जब से आफताब के साथ रहना शुरू किया था उससे कुछ दिन बाद आफताब के साथ उसके झगड़े शुरू हो गए। आफताब नशे की हालत में श्रद्धा को पीटता था और इस बीच श्रद्धा की एक तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उस वक्त की है जब 2020 में श्रद्धा को आफताब ने पीटा था। इसके बाद श्रद्धा 3 दिन अस्पताल में भर्ती भी रही थी। ये आरोप श्रद्धा के दोस्तों ने लगाए थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि श्रद्धा के चेहरे पर जख्म के निशान हैं। श्रद्धा के दोस्त समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रद्धा ने आफताब की ज्यादती और जुल्म इतने दिनों तक आखिर क्यों सहे। तो खबर 5 बजे में फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज।